हाय गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल डूइंग, वेलकम टू लेट्स क्रैक नीट। तुम लोग का भी ना थोड़ा न्यूज़ चैनल वाला हाल है। अब मुझे समझ में आया इस देश में न्यूज़ चैनल क्यों चलते हैं। थोड़ा सा कुछ तुम लोग कहानी वाला देखते हो ना तो उछल के आ जाते हो। सुनो, मुद्दे की बात सुनो, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मुझे एकदम इंटरेस्ट नहीं था ये वीडियो बनाने का, ठीक है। एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो तुम लोग को पता होना चाहिए, एक इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो मिथ फैलाया जा रहा है इस YouTube के ब्रह्मांड में, जिससे आपको परे होके रहना है, ठीक है। तो दो चीज सुन लो 15 मिनट दो इसमें, और उसके बाद दोबारा ये मत देखना, ठीक है। कोई भी कुछ बोले दोबारा इसको मत देखना यार, कितना टाइम वेस्ट करोगे, 45 दिन बचा है, बढ़िया से पढ़ो। इन सब चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो, नीट हो ना हो, लोड ना लो, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट है। चलो जो सब लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम लोग का लेकिन है न्यूज़ चैनल वाला, अभी इस देश में ना आज तक इंडिया टीवी चलता है ना, बस वही है तुम लोग का। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव देखते हो तो आ जाते हो भाई। इतना अगर पढ़ाई तुम्हें ध्यान दे दिए रहते, इतना अगर ना एफर्ट आप उसमें दे देते कि भाई क्लासेस रेगुलरली इतने में कर लेते, तो लाइफ वुड हैड बीन लेट फॉर यू। एनीवेज, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। व्हाट आर द एनसीए अपडेट्स? पहला जो तुम लोग का डाउट है वो ये है, ये तो मेरे बारे में है, ठीक है, पता ही होगा मेरे बारे में। मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी, बाकी इररिलेवेंट है, ठीक है। पहला डाउट ये है, क्या नीट पोस्टपोन्ड होगा? देखो अभी नीट एग्जाम की डेट क्या है, 3 मई 2020, और ये वही रहने वाली है, नीट एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज नो। क्यों ये र्यूमर फैला था, मैं ये उसके पीछे का लॉजिक बता दूं तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। चाहे कोई कुछ भी बोले ये नहीं होगा, ठीक है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो कोई वायरस हो, किसी की वजह से नीट पोस्टपोन्ड नहीं होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो नो नो। सुनो क्यों ये फैला था, पहला रीजन बताते क्या हुआ था, कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली था, तो वहां पे दंगे हुए थे, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कितना छोटा सा जगह होगा, है ना, कुछ छोटा सा जगह होगा, ठीक है। तो यहां पे दंगे हुए थे, ठीक है। अब यहां पे जो दंगे हुए, इसकी वजह से क्या हुआ कि सीबीएसई एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है। अब इसके पोस्टपोन होने की वजह से क्या हुआ कि तुम्हारा जो नया एग्जाम का डेट शीट आया वो नीट के एग्जाम के साथ क्लैश कर गया। तो सीबीएसई ने एनटीए को एक चिट्ठी लिखा कि सर एक काम करो कि आप जो ये एग्जाम है इसको थोड़ा कहीं आगे पीछे कर दो। एनटीए वाला भक्त ऐसा थोड़ी होता है। देखो पॉइंट इज सीबीएसई का एक रीजन है, देखो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कितने बच्चे होंगे, मुश्किल से मान लो 50,000, मुश्किल से मान लो हद से हद तुम्हारा होगा तो 50,000 बच्चा होगा, उससे बहुत ज्यादा मैंने डेटा बोल दिया, 50,000 क्लास 12 का बच्चा उतना होगा भी नहीं, ठीक है। चलो मान लेते हैं 50,000 बच्चा है, ठीक है। नीट में कितना एग्जाम देते हैं, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं पैन इंडिया, वो कितने लोगों को इफेक्ट करेगा, 15 लाख। तो कौन जीतेगा भाई, अगर कल को ऐसा क्लैश होता है तो कौन जीतेगा, 50,000 बच्चा वाला जीतेगा या 15 लाख बीचेगा? कॉमन सेंस यूज कर लो, तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज नो। नीट को पोस्टपोन करना बहुत मेजर हैसल हो जाएगा, सारे सेंटर्स तैयार हो जाते हैं, सब कुछ तैयार होता है, तो नीट को पोस्टपोन करना बहुत मेजर हैसल होगा, ठीक है। दूसरा अफवाह क्या फैल रहा था कि सर कोरोना वायरस की वजह से एग्जाम्स में छुट्टी आ रहे, नीट पोस्टपोन हो जाएगा। देखो कोरोना वायरस का कोरोना भी नहीं रहेगा मई तक, टेंशन मत लो, ठीक है। एक महीना है, सरकार क्वारंटीन कर रही है, सब कुछ सिस्टमैटिक हो जाएगा, कोरोना वायरस का कोरोना भी नहीं रहेगा, ठीक है। रोना ही बचेगा बस कोरोना का, तो इसलिए टेंशन नक को लो, ना कोरोना वायरस रहेगा ना कुछ और रहेगा, ठीक है। तो इसलिए नीट एग्जाम विल नॉट बी पोस्टपोन, चाहे कोई कुछ भी बोले बेटा, भरोसा रखो अपने इस टीचर पे, नीट एग्जाम आपका पोस्टपोन नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आता है, कल को अगर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन खुदा ना खास्ता आता है, तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। बट प्लीज इन र्यूमर्स पे ना जाओ, प्लीज ये मत सोचो कि नीट एग्जाम पोस्टपोन हो गया, और कभी भूल के भी नहीं मनाना कि नीट एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। बेटा क्या होगा, जितना नीट पोस्टपोन होगा उतना आपका काउंसलिंग पोस्टपोन होगा। कल को आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो फर्स्ट ईयर, तो उतना कम टाइम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, तो कभी मत मनाना कि नीट एग्जाम पोस्टपोन हो। शांति से, अच्छे से, सिस्टमैटिक तरीके से आप तैयारी कीजिए, भूल जाइए ये सब चीज, ठीक है। फॉरगेट दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर माइंड। मैंने आपको लॉजिक बता दिया, इन दो कारणों की वजह से नीट एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। कुछ इनएविटेबल आ गया, कुछ चीटिंग का मामला आ गया, कुछ ऐसा
अनसर्कमस्टेंशियल या अनप्रेसिडेंटेड कुछ सीक्वेंस आ गया, उस केसेस में हो सकता है कर जाए, ऐसे ये नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया बच्चों सबको? सब लिखो कि सर अब मैं कोई नीट पोस्टपोन वाली वीडियो नहीं देखूंगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आएगा तो आई एम टेलिंग यू, 1 सेकेंड का भी डिले नहीं करूंगा मैं। मैंने इस पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया था बच्चों, द रीजन बीइंग कि मुझे लगा ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन तुम लोग इतने जगह पूछ रहे थे ना और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया। ठीक है, तो लिखो अभी तुरंत के मैसेज, सर मैं कोई भी इस तरह के फालतू वीडियो नहीं देखूंगा आपसे। लिखो सब लोग, कमेंट करो, सर मैं कोई फालतू वीडियो नहीं देखूंगा इस तरह से अगले 45 दिन। कोई इंफॉर्मेशन आएगा, जब तक कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं आता मैं इन पे रिलाय नहीं करने वाला। ठीक, ये पहला पॉइंट खत्म हो गया, इसको भूल जाओ। ठीक है, नीट इज नॉट गोइंग टू बी पोस्टपोन इधर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस और बिकॉज ऑफ दिस थिंग, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाला या सीबीएसई एग्जाम की क्लास। बहुत छोटा क्लास है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, सीबीएसई एग्जाम कोई अलग डेट निकाल देगी, नीट का डेट चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, चलिए अगली बात। अगली बात क्या है कि एनटीए का करेक्शन विंडो आ गया है। देखो ये नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे बच्चे थे जो 15 जनवरी से 31 जनवरी तक का करेक्शन विंडो के लिए ऑप्शन आया था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका कुछ करेक्शन का पार्ट रह गया है ना, लैंग्वेज आप करेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी आप अपना करेक्ट कर सकते हैं, तो कुछ नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ चीजों में जो आपने गलतियां की हैं उनको अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो ये एनटीए का करेक्शन विंडो खुला हुआ है, इसके लिए नोटिफिकेशन आया था। क्या है भाई? तो 13 तारीख से 13/3/2020 से लेके 19/3/2020 तक तुम्हारा करेक्शन विंडो खुल गया है। कहां पे? जो वेबसाइट था हमारा ntanetnic.in, ntanet.nic.in, यहां पे आप फिर से वेरीफाई कर सकते हैं जो भी चेंजेस है। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म जमा किया था, जम्मू एंड कश्मीर में ऑनलाइन वाला हिसाब किताब नहीं था, जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म जमा किया था वो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म, आप ऑनलाइन अपना एडिट कर सकते हैं। तो सपोज मान लो कि आपने ऑफलाइन कोई फॉर्म भरा, उसमें आपसे कोई गलती हो गई, तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये फाइनल चांस है, ये फाइनल चांस है, अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं बेटा। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो अगर आपको इस तरह के कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप चेंज कर लीजिए, आपको कुछ भी नाम में गलती हो रही है या कुछ भी गलती हो रही है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे बहुत परेशान होंगे आप। ठीक है, इसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है, ये बनवाना पड़ता है, तो अगर आपके कोई भी करेक्शन विंडो में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, कोई भी चेंजेस, लैंग्वेज आप कर सकते हैं, मीडियम आप कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एलिजिबिलिटी कोड्स वगैरह चेंज नहीं होंगे, बाकी सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चेंज कर लीजिए, ठीक ठाक क्रेडेंशियल देख लीजिए, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल चांस। ठीक है, तो ये अभी आपके पास टाइम है, आप इसको 5-10 मिनट लीजिए, 10 मिनट लेके इसको निपटा दीजिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, अगर कोई चेंज करना भी है तो 10 मिनट लेके इसको निपटा दो और उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही दो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देने थे। ठीक है, पहला एक इन्फॉर्मेशन ये था कि भाई कि तुम्हारा नीट पोस्टपोन नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि ये करेक्शन विंडो खुल गया है, इसको आप भर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, 10 मिनट लो, आज ही इसको करके खत्म करो। ठीक है, कल से हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे, कल से हम इन सब किसी फालतू चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ना हम कोई टाइम टेबल देखेंगे, ना हम कोई स्ट्रैटेजी देखेंगे, ना हम कुछ, हम सिर्फ कॉन्टेंट देखेंगे, सिर्फ हम पढ़ाई वाली चीजें देखेंगे, हम ये टाइम पास नहीं करने वाले हैं। मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए 45 दिन के लिए, आई एम पम्प्ड अप, आई विल डू माई 100%, आई गिव माई 100%, आई गिव टेस्ट। जितने देर में तुम एक मोटिवेशनल वीडियो देखोगे तो उतने देर में तुम 20 सवाल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इन सब चक्करों में हम नहीं पढ़ना है, यू हैव टू बी सिस्टमैटिक। यू बहुत स्ट्रैटेजी हमने देख लिया, दिस इज द फाइनल स्ट्रैटेजी जो आपके काम करने वाला है। तो आप जिस टीचर को फॉलो करते हो उनका एक स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, खत्म, उसके बाद उसको रिपीट ना करो। ठीक है, एंड फॉलो इट रिलीजियसली। अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं रहा कि अब तुम पूछोगे सर नीट में 30 दिन बचे हैं, कैन आई क्लियर, स्टिल क्लियर नीट? नहीं, जो है जैसे है जो जोड़ फोड़ के अपना स्टार्ट करो एंड फॉलो इट रिलीजियसली। तुम लोग जो कोर्सेस है उसमें एनरोल कर सकते हो, जो आपको मैंने बताया था, ये वाला फ्री कोर्स है आपका अनअकैडमी ऐप पे, ये डेली 8 AM होगा मेरे प्रोफाइल पे। ठीक है, डेली 8 AM होगा मेरे प्रोफाइल पे। ठीक है, नीट 2020 के लिए ये टेलीग्राम ऐप है मेरा जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ये टेलीग्राम ऐप है नीट प्लस। ठीक है, ये तुम इसको एनरोल कर लो, इसको एनरोल कर लो यहाँ पे,
या इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन मेरी क्लासेस के मिल जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली, जो वीक बच्चे हैं जिनका बायोलॉजी अच्छे से नहीं हुआ है, फिजिक्स अच्छे से नहीं हुआ है, केमिस्ट्री अच्छे से नहीं हुआ है, उनको मेंटरशिप चाहिए, तो वो हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं या अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत अमेजिंग अमेजिंग टीचर्स मिल जाएंगे। ये सारे टीचर्स से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। मेरा भी रिविजन कोर्स प्लस पे चल रहा है, जहाँ पे मैं आपके एक एक डाउट को चुन के एड्रेस करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। देखो, फ्री कोर्सेज में जितना मैं कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ, इसके साथ मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर दूंगा, ठीक है। करना क्या है आपको, आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप इंस्टॉल करना है, प्लस पे जाना है। प्लस पे जाओगे तो ये प्लान है आपके, कुछ आप 1 मंथ का ले सकते हैं, 3 मंथ का ले सकते हैं, 6 मंथ का ले सकते हैं, 1 ईयर का ले सकते हैं, 2 ईयर का ले सकते हैं, ठीक है। जो नीट 2020 के लिए दे रहे हैं बच्चों, ये 1 मंथ का आप ले सकते हैं। नीट 2021 के लिए आप दे रहे हैं तो 1 ईयर का ले सकते हो, और नीट 2022 के लिए आप दे रहे हैं तो 2 ईयर्स का ले सकते हो। तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो आप 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा। रेफरल कोड यूज़ करना है आनंद, जब भी आप इनरोल करो तो रेफरल कोड आनंद यूज़ करना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस यू कैन गेट एडमिशन इनटू माय बैच, प्लस आप उसको मुझसे मेंटरशिप का, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मैं बहुत जल्दी भेज देता हूँ, ठीक है। तो आपके साथ मेरा इंटरेक्शन बना रहेगा, ठीक है। तो ये आप प्लस पे आ सकते हैं, और अभी आना है तो अब ये करो या मरो का टाइम है, तो आप अभी कभी आ जाइए, ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए फॉर बोथ प्लस एंड फ्री क्लासेस, ठीक है। unacademy.com@anandsir01 पे आप मुझे यहाँ पे फॉलो कीजिए फॉर बोथ प्लस एंड फ्री क्लासेस। एंड गाइज, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन चोचलापंती में मत पढ़ो, ठीक है। सुकून से पढ़ाई करो, ये सब चीज़ों को नहीं, हम कंटेंट रिलेवेंट चीज़ें देखेंगे, हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम स्पेक्यूलेशन पे नहीं जाएंगे, हम इन सब चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एवरी मिनट आपका क्रूशियल है, ठीक है। तो आज इसको निपटा दो, इस सवाल पे दोबारा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए जब तक मैं खुद से नहीं बोलूं यार कि डेट चेंज हो गया है। अभी के हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी 0% है कि नीट पोस्टपोन्ड होगा, ठीक है। तो नीट पोस्टपोन्ड नहीं हो रहा, हम 3 मई को तैयारी करें। अरे मान लो, चलो इनको इस पोस्टपोन्ड हो भी जाता है, 3 से 5 मई हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा 2 दिन में, या 3 से 2 मई हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा 1 दिन में, कुछ खास चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको दिमाग से निकाल दो, हम प्रिपेयर्ड होंगे। कुछ ऐसा मेजर नोटिफिकेशन आएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, आपको सबसे पहले पता चलेगा और मेरे मुंह से ही पता चलेगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल गाइज, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, और कमेंट में लिखना कि सर आज से आई विल गिव माई 100%, आई वॉन्ट एवरी वन 100%, और कल सुबह 8 बजे क्लास में मिलो अनअकैडमी ऐप पे, ठीक है। चलो, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।